नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र की। ईश्वर और प्रकृति के द्वारा दिए गए उन महान रहस्यों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करते हैं। उन संकेतों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकता है, पूर्वानुमान लगा सकता है। और इस क्रम में इस समय हम बात कर रहे हैं हमारे मूल ग्रहों की। और आज हम बात करेंगे मूल ग्रहों में मूलांक 8 वाले व्यक्तियों की, यानी कि शनि ग्रह की, जिनका प्रधान ग्रह होता है शनि। हालांकि शनि एक नाम ही ऐसा है जिससे काफ़ी डर, दहशत वगैरह फैलती है। शनि, राहु, केतु, इनका नाम सुनते ही एक डर की सहरन से लोगों के अंदर आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये मैंने पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ पॉजिटिव, हर ग्रह की अपनी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो कि व्यक्ति में आती हैं। तो शनि को लेकर के, राहु केतु को लेकर के इस तरह की बहुत सी मिथ्या धारणाएं प्रचलित हैं। जैसे काल सर्प दोष, ये एक ऐसा शब्द बना दिया गया है कि काल सर्प दोष का नाम सुनते ही लोगों को बिल्कुल सहरन दौड़ जाती है और मृत्यु का योग है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना है और कोई भी ज्योतिषी या पंडित जो होता है वो आपसे कम से कम 30-35 हज़ार की पूजा तो जो है वो पक्का रखवा लेता है। तो अब जब शनि और राहु केतु की बात चल रही है तो ये होने के बाद हम थोड़ी सी बात काल सर्प दोष पर भी करेंगे, जिससे उससे संबंधित भ्रांतियां आपके दिमाग से छट जाएंगी। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 8 मूलांक वाले व्यक्तियों की जिनका प्रधान ग्रह होता है शनि। अब तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। Facebook पर इसको अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आप ये देखिए कि यदि आपका मूलांक 8 है तो आज ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित बात हो रही है। तो आप ये देखिए कि ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं अथवा नहीं आती हैं। डेफिनेटली आएंगी, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा, लेकिन आएंगी। और यदि आपके दायरे में, आपके मित्रों में 8 मूलांक वाले व्यक्ति हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए या उनमें, उनके व्यक्तित्व में देखिए कि ये सब चीज़ें आती हैं कि नहीं। यदि आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो 8 मूलांक क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं उनके लिए एक लाइन में ये बता देता हूँ कि किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे हुए व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है। अब 8 तारीख को जिन्होंने जन्म लिया है उनका तो 8 है ही है। 17 में हम 7 और 1 को जोड़ देंगे तो भी 8 आता है, और 26 में 6 और 2 को जोड़ देते हैं तो भी 8 आता है। यानी कि किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है। उन्होंने किस महीने में जन्म लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उससे भी मतलब नहीं है। किस साल में जन्म लिया है उससे भी मतलब नहीं है। जो भी उनके जन्म की डेट है, यानी जब वो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, यहाँ इतनी बात ज़रूर है कि जो उनका वास्तविक है वही, मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है, वोटर आईडी में क्या लिखा हुआ है, इन चीज़ों से भी मतलब नहीं। यदि आपको अपना वास्तविक जन्म तिथि पता है तो उससे आपका मूलांक निकलता है। और यदि आप 8 मूलांक के व्यक्ति हैं तो फिर आपका प्रधान ग्रह है शनि। और शनि प्रधान व्यक्ति कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, उसका चरित्र कैसा होता है और जीवन में भविष्य से संबंधित किस प्रकार की उसमें संभावनाएं होती हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए अपने व्यक्तित्व के बारे में सुनने के लिए। शनि की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात, जैसे कि सारे वीडियो में किए, इसके आकार से करेंगे। इसका आकार 8 जो है ये इस तरह से बनता है कि एक गोला इसमें ऊपर है, एक गोला इसमें नीचे है। यानी शनि ग्रह जो है वो व्यक्ति को दोनों लोकों से संबद्ध करता है। ऊपरी गोला जो है ये धर्म का है, नीचे का जो गोला है ये संसार का है। यानी धर्म और संसार के बीच में ये दोनों को संबद्ध करता है, एक बैलेंस बनाता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक भी घोर होता है और धार्मिक भी घोर ही होता है। और जहाँ शनि ग्रह आ जाता है वहाँ घोर शब्द तो अपने आप ही लग जाता है, और इसलिए शनि की इतनी महिमा दुनिया में है। तो आकार के हिसाब से ये दोनों चीजों को संबद्ध करता है। रंग की यदि हम बात करते हैं तो शनि का रंग ज्योतिष शास्त्र में, हस्तरेखा विज्ञान में काला माना गया है। और यदि किसी की कुंडली में, या शनि जो बहुत तेज होता है उसके हाथ में, जैसे हम हाथ की बात करें तो शनि जो ग्रह हाथ में होता है ये हमारी मध्यमा उंगली के नीचे का ये जो पर्वत होता है, ये शनि
पर्वत कहलाता है, यहाँ शनि देव विराजमान होते हैं। तो शनि की स्थिति क्या है वो हम हस्तरेखा शास्त्र में यहाँ देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में उसकी डिग्री से पता चलता है कि वो कितना उग्रह है और किस घर में या किस खाने में बैठा हुआ है। तो यदि किसी की कुंडली में शनि जो है यह बहुत उग्र होता है तो ऐसे व्यक्ति के वो केवल स्वभाव को नहीं शरीर को भी प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लंबाई लिए हुए होता है और उसके चेहरे पर एक कालिमा, क्योंकि शनि का रंग ही काला है, काला माना गया है ब्लैक, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी कालिमा सी होती है। थोड़ा सा चेहरा जो है ये उबड़ खाबड़ सा भी होता है, बिल्कुल प्लेन और उस तरह का नहीं हो सकता, जैसे यहाँ की हड्डी थोड़ी निकली है, यहाँ का थोड़ा गड्ढे पड़े हैं। शनि और अधिक उग्र यदि हो जाता है तो अंगों में टेढ़ापन ला देना, हाथ टेढ़ा है, पैर से थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाना है, तो इस तरह की चीजें शनि जो है ये आकार प्रकार देता है। तो शनि का रंग जो है ये काला माना गया, तो इसमें एक कालिमा से संबंधित चीज शनि से के संबंध में हर जगह आ जाती है। अब ऐसे लोगों का नेचर कैसा होता है, देखिए अभी हमने पहले वीडियो में बात की है अंगूठों की, अंगूठे के तीन प्रकारों की बात की थी जिसमें संपूर्ण दुनिया के व्यक्तित्वों को तीन वर्ग में बांटा गया था। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि उसमें हमने जो पहले अंगूठे की बात की थी, यानी कि जो बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में बिल्कुल लगा हुआ है, लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं होता है, तो यदि अंगूठा आपका स्ट्रेट है तो भी व्यक्ति को वैसा ही बना देता है, अथवा आपका मूल ग्रह शनि है और वो बहुत उग्र है तो भी व्यक्ति को वो वैसा ही बना देता है लगभग लगभग। तो शनि प्रधान व्यक्ति जो है, पहली बात वो बहुत गंभीर होता है, उसमें छिछलापन, हल्कापन, हंसी मजाक ये सारी चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं। और दूसरी बात, वो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो लक्ष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा कठोर होता है, लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित होता है, उसका संपूर्ण जीवन उसके काम को ही अर्पित होता है। तो गंभीरता जो है ये शनि प्रधान व्यक्ति में पहली चीज में पाई जाती है। दूसरी बात होता है मेहनत, शनि प्रधान व्यक्ति जो है ये बहुत कठोर परिश्रमी, बल्कि कठोरतम परिश्रमी होता है। जैसे इस तरह के अंगूठे में भी हमने बात की थी, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो दिन में 23-23 घंटे तक काम कर लेते हैं, और जैसे औरंगजेब का कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी में 3 घंटे से ज्यादा कभी सोया ही नहीं था, या चाणक्य का कहा जाता है। तो शनि जो होता है ये आपसे मेहनत तो बहुत ज्यादा करवाता है, तो इस तरह के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, अपने लक्ष्य को पूरी तरह समर्पित होते हैं। और यदि शनि खराब हो जाता है आपका, जैसे हम कहते हैं कि भाई शनि खराब है, शनि अच्छा होता है तो आप मेहनत करते हैं, उच्च पदों में बहुत महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंचते हैं, लेकिन यदि शनि खराब है तो फिर वो इस तरह की मेहनत कराता है कि एक व्यक्ति को पत्थर तोड़ने का काम है, खदानों का काम है, ऑटो वो चला रहा है, कुली है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं शनि से संबंधित हैं, भिखारी हो गया, तो ये शनि आपको बना देता है। और इसलिए शनि से इतनी डर है, इतनी दहशत होती है कि एक आदमी अपने दरवाजे पर आने वाले 10 भिखारियों को मना कर दे, लेकिन जब वो शनि का कमंडल लेकर के शनिवार को कोई व्यक्ति आता है तेल लेकर के, तो उसमें तो फिर एक का सिक्का डालना ही पड़ता है, लोग डालते ही हैं और डालना भी चाहिए। शनि को खुश रखना है यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो, वरना शनि बहुत ज्यादा दिक्कत उत्पन्न करता है। तो ये हो गए मेहनती, मेहनत के साथ में जिद्दी, शनि प्रधान व्यक्ति है तो उसमें अपने चीजों को लेकर एक जिद पाई जाती है, और उस जिद को पूरी करने के लिए वो व्यक्ति पृथ्वी की आखिरी छोर तक जाएगा, लेकिन वो उस काम को करके ही रहता है, तो जिद्दी होता है। और जाहिर सी बात है करेगा भी वो अपने ही मन की, आप उसको 50 चीजें समझा लो लेकिन उसके दिमाग में जो चीज बैठ गई है वो उसको करनी है तो मतलब करनी ही है। तो जिद्दी होना शनि का प्रधान व्यक्ति का भी एक लक्षण पाया जाता है, और जिद के साथ में ही कठोर परिश्रम के साथ में, जब आप में कठोर परिश्रम आता है, जिद आती है, तो अहंकार यानी ईगो ये अपने आप ही आ जाता है। तो शनि प्रधान व्यक्तियों में अहंकार भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जब अंगूठा एकदम सख्त होता है, यानी कि इच्छा शक्ति, या शनि आपका बहुत प्रबल होता है, यानी इच्छा शक्ति व्यक्ति की प्रचंड होती है, तो वो प्रचंड इच्छा शक्ति, सामान्य भी नहीं होती, असाधारण भी नहीं होती, प्रचंड इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्तियों के क्रूर हो जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो ऐसा व्यक्ति कठोर दमन करता भी हो सकता है यदि शनि उग्र होता चला जाए तो।
जैसे कि हमने इतिहास में पढ़ा होगा कि बहुत से ऐसे तानाशाह हैं जिन्होंने लाखों लोगों को कटवा दिया निर्ममता के साथ में, दिल में कोई दर्द ही नहीं है, कुछ नहीं है, उनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, गांव के गांव जला दिए, शहर के शहर तबाह कर दिए। तो इस तरह की चीज़ें शनि के उग्र होने पर आ सकती हैं, दमनकर्ता भी व्यक्ति हो सकता है। और इस तरह का है जब क्रूर है, दमन करता है, तो सीधी सी बात है कि वो व्यक्ति भावनाहीनता की ओर भी शनि व्यक्ति को ले जाने लगता है। शनि जैसे जैसे या जितना होगा, जैसे हम कुंडली में देखते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, या हाथ में हम देखते हैं कि भाई कितना उभार लिए हुए है, कितना दबा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा यदि उग्र होता जाता है तो बिल्कुल व्यक्ति भावनाहीनता की स्थिति में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति का दिल से कोई लेना देना नहीं रह जाता। एहसास क्या है, जज्बात क्या है, मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है, शेर व शायरी क्या है, गीत गजल क्या है, इन सबसे हृदय से संबंधित गतिविधियों से वो धीरे धीरे दूर होता जाता है, कटता जाता है। उसका पूरा जो चेतना है वो उसके दिमाग में, उसकी रणनीतियों में, उसके लक्ष्य में आकर के सिमटती जाती है। और जब ये बात आएगी तो फिर ये डेफिनेटली है कि ऐसा व्यक्ति एकाकी जीवन जीना पसंद करता है। ऐसे व्यक्तियों के सोशल होने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता कि बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, खाना पीना, पिकनिक पार्टी, इन सब का तो जीवन में कहीं कोई कालम ही नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति प्रायः समाज से एक दूरी बनाकर रखता है, परिवार से भी एक दूरी बना करके रखता है, वो अपने एक दायरा खींच लेता है, उस दायरे के अंदर कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। जैसे हम सूर्य का कहते हैं, भाई सूर्य का क्या है कि वो आपको तेज दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, सब है, लेकिन उसका एक दायरा है, उसके अंदर यदि घुसने की कोशिश की तो फिर वो जला करके राख कर देगा। तो शनि प्रधान व्यक्ति जो है ये समाज से एक दूरी बना करके रखता है, अलग रहने की कोशिश करता है, और अपने निकट संबंधों पे भी, जैसे हमने संगूठे की बात की थी तब भी की थी कि जो उसकी पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो उससे भी वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके व्यक्ति चलता है। तो एकाकी जीवन जीना, अनसोशल होना इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब शनि आपका अच्छा है और ये रिसर्च का भी कारक होता है, तो शनि राहु केतु ये तीनों ही जो होते हैं ये रिसर्च के बहुत अच्छे कारक होते हैं। यदि ये अच्छा है आपकी कुंडली में, आपके हाथ में ये अच्छी स्थिति में है, तो शनि जो है ये आपको धर्म और विज्ञान दोनों की ही ओर ले जा सकता है। शनि आपका अच्छा हो, हाथ आपका बौद्धिक हो, अभी हम बौद्धिक हाथ की बात करेंगे, मानसिक श्रम करने वाले कौन से हाथ होते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले कौन से हाथ होते हैं, और आपके हाथ में यदि अच्छी खासी ज्ञान रेखा भी हो, जो कि ये मध्यमा और तर्जनी के बीच से जो रेखा निकलती है उसको हम ज्ञान रेखा कहते हैं, उससे पता चलता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च में ये जो ग्रह हैं ये आपको लेकर के आते हैं। अब यहां पर एक चीज ये जरूर आ जाती है कि यदि ऐसा व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में जाता है तो प्रायः ये देखा जाता है कि शनि प्रधान व्यक्तियों को गणित और रसायन में बहुत ज्यादा रुचि होती है, रसायन विज्ञान, कीमिया गिरी जिसको प्राचीन काल में कहा जाता था, केमिस्ट्री, तो इसमें शनि प्रधान व्यक्तियों को या गणित में तो बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत अच्छे रसायनज्ञ भी होते हैं या बहुत अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं। और यदि धर्म की ओर शनि आपको ले जाता है तो यहां पर एक छोटी सी दिक्कत ये जरूर आती है कि वो आपको भक्ति की ओर नहीं ले जाएगा, वो आपको ध्यान की ओर नहीं ले जाएगा, वो आपको ज्ञान की ओर नहीं ले जाएगा, वो आपको ले जाता है सीधा सीधा तंत्र की ओर। शनि प्रधान व्यक्ति तांत्रिक गतिविधियों में, या थोड़ा सा अपन जिसको ये भी कह सकते हैं शनि और उग्र हो जाए तो काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, या जो शमशान घाट में पूजाएं वगैरह चलती हैं, तो इन चीज़ों की ओर शनि जो है ये बहुत खींचता है। और शनि का थोड़ा सा रंग ही काला है तो अमावस की रात है, शमशान घाट है, या इस तरह की चीज़ों में जादू टोना है, ये सब जो आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे कि कोई कहता है कि मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को यहीं से मार सकता हूँ या उसको वशीकरण कर सकता हूँ, तो इस तरह के तंत्र मंत्र के झंझटों में शनि आपको ज़्यादा आता है। और विज्ञान के क्षेत्र में यदि ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आप लीजिए, बिल्कुल आप टॉपेस्ट पॉइंट पर उसमें पहुंचेंगे, उच्च पद। शनि यदि अच्छा है, शनि में यह बहुत मजेदार बात है जिसके कारण लोग शनि से डरते भी बहुत हैं, पूजा भी करते हैं, उसको राजी भी रखने की कोशिश करते हैं, यदि शनि आपका अच्छा है तो वो सीधा आपको राजा बनाता है, आपके फील्ड में आपको टॉपेस्ट पॉइंट पर, टॉपेस्ट पर ले जाएगा। शनि में यह है, सूर्य
क्रमबद्ध रूप से ले जाएगा, गुरु थोड़ा ऊपर ले जाएगा, लेकिन शनि यदि आपका अच्छा होगा तो बिल्कुल टॉपेस्ट पॉइंट पर लेकर के जाएगा, लेकिन 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 यदि शनि खराब हो गया तो वो फिर उठा करके आपको बिल्कुल निम्नतम बिंदु लोएस्ट पॉइंट पर भी ले जाएगा, यानी अच्छा है तो माउंट एवरेस्ट पर बैठाएगा, बुरा हो गया बिगड़ गया तो ले जा करके अंधेरी खाई में आपको धकेल देगा। तो शनि जो है या तो व्यक्ति को बिल्कुल राजा बना देता है या फिर व्यक्ति को बिल्कुल रंक बना देता है, तो इसलिए शनि प्रधान व्यक्ति अपने क्षेत्र में या तो असाधारण रूप से सफल पाए जाते हैं अथवा असाधारण रूप से असफल और अभागे पाए जाते हैं। तो शनि महाराज को प्रसन्न रखिए। तो राजा को ये रंक बनाता है, रंक को ये राजा बनाता है, ऐसा व्यक्ति या तो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफल है या बहुत ज्यादा असफल होता है। शनि से संबंधित और भी कौन सी चीजें होती हैं जो व्यक्ति में आती हैं, ये तो हम अभी फिलहाल शनि के सद्गुणों के अंतर्गत ले रहे हैं, और शनि से संबंधित दुर्गुण कौन कौन से हैं जब शनि बुरा हो जाता है तो उत्पन्न होते हैं। शनि जब बुरा होता है तो व्यक्ति किन रोगों से बुरी तरह पीड़ित होता है, या शनि प्रधान व्यक्तियों का लव लाइफ कैसी होती है, वैसे लव लाइफ तो इनके नेचर से समझ ही गए होंगे कि कैसी होती होगी, और किन कैरियर में शनि प्रधान व्यक्तियों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है, इन सब की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, इन चीजों पर चिंतन कीजिए। यदि आपका 8 मूलांक है तो आप अपने व्यक्तित्व को देखिए, अपने दायरे के लोगों को देखिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि शनि राहु केतु ग्रह ये ऐसे हैं जो एक मैच्योर उम्र में व्यक्ति पर पूरी तरह हावी होते हैं, तो बच्चों में इन चीजों को देखने की कोशिश मत कीजिए। बच्चे तो सभी चॉकलेट भी खाएंगे, झूला भी झूलेंगे, गुब्बारे उड़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ग्रह जो होता है व्यक्ति का मूल ग्रह वो अपने आप को खींचने लगता है। तो अगले वीडियो हम बात करेंगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।